गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज चंद्रवर्धन एंड आई वेलकम यू ऑल टू पीसीएस एडुकेयर, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की शुरुआत आज से हम लोग कर रहे हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। इससे पहले एंशियंट का बहुत सारा वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है जो कि आप देख सकते हैं। मॉडर्न के भी बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, हालांकि वो पुराने वीडियोज हैं, उनको भी अपडेट किया जाएगा, लेकिन वो चूंकि अवेलेबल है तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, ठीक है, ताकि आपका टोटल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए और फिर आपको एग्जाम देने में दिक्कत ना हो। ठीक, ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम एंशियंट और मॉडर्न पर भी चलेंगे और कंप्लीट कर देंगे पूरा हिस्ट्री को, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी का भी वीडियो जो है वो लगातार दिया जा रहा है, तो पॉलिटी के भी वीडियो जो है वो आप लोग लगातार देखिए, ठीक है, उनको भी अपडेट किया जा रहा है और कंप्लीट वीडियो आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। तो चलते हैं, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले देखते हैं सिलेबस, क्या क्या पढ़ना है ये तो पहले जानना चाहिए आपको। और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं, एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ाई पर मैं भरोसा नहीं करता हूं। आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ाई कीजिए, उसका सिलेबस समझिए, क्या क्या पढ़ना है वो समझिए, हर चीज अच्छे तरीके से समझिए, और फिर आपका एग्जाम चाहे कोई भी हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे, ये बात है, ठीक है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ाई होनी चाहिए, न कि एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ाई होनी चाहिए। आज एसएससी का एग्जाम है तो कुछ और पढ़ लिया, कल यूपीएससी का एग्जाम है कुछ और पढ़ लिया, परसों आरआरबी का एग्जाम है तो कुछ और पढ़ लिया, अरे ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहिए और एग्जाम आप जो भी देना चाहे वो दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रिसोर्सेज देखेंगे। जी हाँ, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जानकारी के लिए कौन कौन से स्रोत हमारे पास अवेलेबल होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग मिन्हाजुस सिराज की रचना पढ़ेंगे, इब्ने बतूता की रचना पढ़ेंगे और भी बहुत सारे जो भी आपके लेखक हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, उन सब की रचनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चचनामा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राइज ऑफ इस्लाम इन इंडिया, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि इस्लामिक जो इन्वेडर्स थे, पहले दिल्ली सल्तनत, उसके बाद फिर मुगल अंपायर, इन सब के बारे में ही हमें पढ़ना है। तो कैसे इस्लाम का उदय हुआ भारत में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में देखेंगे, किस प्रकार से बाकी खलीफाओं का शासन हुआ और उन्होंने मिडिल ईस्ट से लेकर पूरे भारत भर में जो है इस्लाम का फैलाव किया, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग अरब इन्वेजन ऑफ सिंध देखेंगे, सिंध पर अरबों की जो विजय हुई थी, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था, उन सब के बारे में देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम कैसे भारत आता है, अरबों का क्या प्रभाव पड़ता है भारत पर वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे तुर्कों का आक्रमण भारत पर, जो तुर्कों ने आक्रमण किया था, जिसमें मोहम्मद गजनवी है और मोहम्मद गोरी है, इन दोनों के बारे में भी हम लोग देखेंगे, डिटेल से देखेंगे, सारे आक्रमणों के बारे में देखेंगे और इसका क्या प्रभाव पड़ा भारत पर वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे और सिलेबस में इसके बाद आता है आपका दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है और उसमें हम लोग सबसे पहला वंश देखते हैं, ममलूक सुल्तान वंश, जिसको कि स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, 1206 से लेकर 1290 तक वो चलता है, ठीक है। उसके बाद फिर खिलजी डायनेस्टी आता है 1290 से 1320 तक, फिर तुगलक डायनेस्टी। इसमें हम लोग खिलजी डायनेस्टी में जो है पहले देख लेते हैं, स्लेव डायनेस्टी में मेनली हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में और गयासुद्दीन बलबन के बारे में, ठीक है। तो इन चारों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे शासक हुए हैं लेकिन उनके बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे खिलजी डायनेस्टी में, इसमें हम लोग जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखेंगे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण नीति था, इन सब के बारे में, भूमि सुधार नीति था, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका पूछा जाता है किसमें, पीटी में भी, ठीक है। तो आगे चलेंगे हम लोग, उसके बाद सैयद डायनेस्टी होता है, उसके बाद लोदी डायनेस्टी होता है और फिर दिल्ली सल्तनत का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है 1526 में, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में संघर्ष होता है और उसके बाद फिर लोदी डायनेस्टी के साथ ही किसका अंत हो जाता है, दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। तो ये कंप्लीट पांचों डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें तीन जो है प्रमुख हैं, ठीक है। सैयद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये जो है आपका वो भी लोदी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे बहलोल लोदी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और सैयद डायनेस्टी में खिजर खान के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी में आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का जो आपका सिंचाई व्यवस्था था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। और
साथ में इसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में जो काम किए, ठीक है, लोगों के भलाई के लिए जो जो काम किए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के का जो आपका 5 इसने प्रयोग किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, उन सारे प्रयोगों के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। मेंस और पीटी दोनों में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा हम लोग दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, यानी कि प्रशासन पढ़ेंगे। उसके बाद अर्थव्यवस्था दिल्ली सल्तनत के दौरान कैसी थी वो पढ़ेंगे। फिर लिटरेचर पढ़ेंगे, साहित्यों के बारे में पढ़ेंगे और भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, एक तरह से कह सकते हैं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कल्चर था दिल्ली सल्तनत के दौरान उसके बारे में देखेंगे। और फिर हम लोग चलेंगे म्यूजिक ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, मतलब संगीत के क्षेत्र में क्या हुआ, तो ये दोनों जो है आपका इसी में आ जाएगा, कल्चर में ही आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्किटेक्चर। जी हाँ, आर्किटेक्चर दिल्ली सल्तनत के दौरान बहुत सारे आर्किटेक्चर्स बनाए गए, जिसमें आपके कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया, किसने उसकी मरम्मत करवाई, ये सब जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे, दिल्ली सल्तनत के बाद हम लोग पढ़ेंगे मुगल सल्तनत के बारे में, ठीक है। और इसमें जो है दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे, 1526 से लेकर 1707 तक, ये ग्रेटर मुगल मतलब महान मुगल कहलाते हैं, ठीक है। इसमें आपका बाबर है 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक, हुमायूं है जिसका फर्स्ट टर्म होता है 1530 से लेकर 1540 तक, बीच में आ जाता है शेरशाह सूरी का सूरी डायनेस्टी, ठीक है, और ये चलता है 1540 से लेकर 1555 तक। और उसके बाद फिर आपका यहाँ पर युद्ध होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध होता है, और उसके बाद हुमायूं को निर्वासित होना पड़ता है, हार करके वो भाग जाता है, और फिर दोबारा वापस लौट करके आता है सेकेंड टर्म में, जब मतलब शेरशाह सूरी की मतलब मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो 1555 में उसकी मृत्यु हो जाती है और सेकेंड टर्म इसका उसी समय से चालू होता है 1555 से 1556 पर, और फिर जो है एक ही साल शासन करने के बाद ये भी मारा जाता है, मतलब मर जाता है, ठीक है, हुमायूं जो है वो मर जाता है। उसके बाद आता है अकबर। अकबर जो है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद चलेंगे हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी, चित्रकला के क्षेत्र में इसका योगदान जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। शाहजहां 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक, इनके बारे में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब जो है बहुत ज्यादा क्रूर शासक, लेकिन इसके बारे में पढ़ना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं तो पढ़ना तो होगा ही, ठीक है। 1658 से लेकर 1707 तक, और इसके बाद फिर मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, लेटर मुगल्स आ जाते हैं 1707 से लेकर 1857 तक, और इसमें आपका बहादुर शाह प्रथम है 1707 से 1712, जहांदार शाह है 1712 से 1713, फरुख सियर है 1713 से 1719, रफी उल दर्जात है 1719 में ही होता है, उसके बाद रफी उल दर्जात फिर से 1719 में, फिर मोहम्मद इब्राहिम 1720, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, ठीक है। बहुत ही कम शासन है जो शासक है जो काफी टाइम तक शासन किए, बाकी बीच में छोटे छोटे शासक हैं, ठीक है। अहमद शाह बहादुर है, ये 1748 से 1754 है, आलमगीर द्वितीय है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है पढ़ना, 1754 से लेकर 1759 तक। शाहजहां तृतीय है, ये आपका 1759 से 1760, शाह आलम द्वितीय है, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है, 1760 से लेकर 1846 साल तक इसने शासन किया था। अकबर शाह द्वितीय है 1806 से 1837, और उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय होता है 1837 से लेकर 1857 की क्रांति में नेतृत्व करता है, और उसके बाद फिर मुगल साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो जाता है, क्योंकि शासन किसके हाथ में चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है, और वैसे भी ये तो नाम मात्र का ही शासक रह गया था। चलिए उसके बाद फिर सिलेबस में आते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे मुगल अंपायर का, लिटरेचर देखेंगे, साहित्य देखेंगे मुगल काल के दौरान जो भी साहित्य लिखे गए, उसके बाद पेंटिंग्स के बारे में देखेंगे, जो मुगल चित्रकला है उसके बारे में देखेंगे, और आर्किटेक्चर जो है उसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा मुगल काल में जो इकोनॉमी था जो सोसाइटी था, इन सब के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी है, सोसाइटी है, कल्चर है, इन सब के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। और उसके बाद फिर थोड़ा सा हम लोग चलेंगे और सूफी संप्रदाय के बारे में देखेंगे, सूफी संप्रदाय, सूफी संतों के बारे में हम लोग देखेंगे, और फिर हम लोग चलेंगे आगे और देखेंगे मराठा
साम्राज्य के बारे में, फिर सिख साम्राज्य के बारे में, इन सब के बारे में हालांकि मैं बताया हूं, लेकिन एक बार फिर से हम लोग चलेंगे सूफी संप्रदाय, मराठा संप्रदाय, सिख संप्रदाय के बारे में, सिख साम्राज्य के बारे में देखेंगे। और इसके बाद फिर टाइम बचेगा तो फिर हम लोगों ने अर्ली मेडिएवल फेज भी नहीं पढ़ा है, तो वो भी पढ़ना जरूरी है। अर्ली मेडिएवल में भी चलेंगे हम लोग इसके बाद, ठीक है। और अर्ली मेडिएवल में आपका ट्राइपार्टाइट संघर्ष जो होता है, स्ट्रगल जो होता है, मतलब त्रिपक्षीय युद्ध जो होता है, त्रिपक्षीय युद्ध जो होता है आपका किसके बीच में, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में होता है, ठीक है। इन सब के बारे में देखेंगे। जिस समय अरबों का आक्रमण हुआ था ना, उस समय ये ट्रिपार्टाइट युद्ध चल ही रहा था, ठीक है। तो इन सब के बारे में देखेंगे। इसके अलावा और भी जो राजपूत वंश हुआ करते थे अर्ली मेडिएवल पीरियड में, उनके बारे में देखेंगे। तो ये सब देखते हुए उसके बाद फिर चोल साम्राज्य देखेंगे, ठीक है। चोल साम्राज्य के प्रशासन से इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो चोल साम्राज्य के बारे में देखेंगे। पल्लवों के बारे में देखेंगे, पल्लव कला से बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है खास करके बीपीएससी में। तो ये सब देखते हुए हम लोग आपका मेडिएवल हिस्ट्री समाप्त करेंगे और उसके बाद फिर चले जाएंगे कहाँ, मॉडर्न हिस्ट्री में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट सिलेबस है जो कि हम लोगों को पढ़ना है। लगभग मुझे लगता है कि 50 से 60 क्लास इसमें लगेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो मैं बनाने वाला नहीं हूँ इस बार। 20 से 30 मिनट का एक वीडियो होगा और एक चैप्टर खत्म करके फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे सोर्सेज के बारे में। सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, रिसोर्सेज के बारे में देखना है कि आखिर क्या रिसोर्सेज थे, क्या प्रमुख स्रोत थे मेडिवल हिस्ट्री की जानकारी के लिए। तो कंप्लीट लिस्ट में लाऊंगा सारे जितने भी साहित्यकार थे, उनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, उन सबसे लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निश्चित तौर पर नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। और यदि इसका कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 9525360283, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये कंप्लीट पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा बहुत ही सस्ते शुल्क में, ठीक है। और चलिए तो फिर इस वीडियो में लेता हूं मैं चंद्रवर्धन आपसे इजाजत। फिर से मिलेंगे पीसीएस एडुकेयर पर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।